है उन बच्चों के लिए जो बी एड करना चाहते हैं फॉर बी एड एस्पायरेंट स्टूडेंट्स मैंने लॉग इन किया है पंजाब बी एड एडमिशंस डॉट जी एन डी यू डॉट ए सी डॉट इन के ऊपर मैंने ये, ये पोर्टल जो है खोल रखा है जो जी डी यू से रिलेटेड है दिस इज जॉय पंजाब बी एड एडमिशंस फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इस साल जो बच्चे करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर आपको लिंक्स मिलेंगे लाइक टेंटिटिव एक्टिविटी शेड्यूल पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट जो इसमें है प्रोस्पेक्टर्स दैन लिस्ट ऑफ बी एड कॉलेज मेन आपके आपने इसमें क्या करना है बच्चे यू हैव टू अप्लाई फॉर द टेस्ट बी एड एंट्रेंस टेस्ट जो आपको देना पड़ेगा उसके लिए वेरियस स्टेप्स मैंशनड है जो आपने करने हैं लाइक फर्स्ट स्टेप इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिसमें आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपने फिल करनी है बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक योर नेम योर फादर्स नेम योर डेट ऑफ बर्थ जेंडर मोबाइल नंबर ई मेल आई डी हेयर आई वुड लाइक टू मैंशन जो मोबाइल नंबर मैंशन करना है आपने वो अपना ही करना है जो आपके पास जब भी अगर कोई मैसेज आए टेक्स्ट मैसेज आए तो आपको इमिजिएटली वो मिल जाए ठीक है जी किसी भी कैफ़े वाले का नहीं एंटर करना देन ई मेल आई डी भी आपने अपनी ही एंट्र करनी है वैन यू विल सबमिट दिस पर्टिकुलर स्टेप वन देन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी कम्प्लीट तो एक आपको ओ आएगा आपके पर्सनल नंबर और ई के ऊपर वो ओ आप फिल करोगे देन यू विल हैव टू जनरेट अ पासवर्ड द कैंडिडेट मस्ट नोट डाउन ई मेल आई डी एंड अ पासवर्ड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये पहला स्टेप है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देन एट द सेकेंड स्टेप बेटा आपको क्या करना है कैंडिडेट लॉग इन कैंडिडेट लॉग इन पर जाके आपने वही ईमेल आईडी जो रजिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग फिल की थी उसको क्लिक करके उसको लिख के देन अपना जो पासवर्ड आपने जनरेट किया था वो एंटर करके आपने जो है कैंडिडेट डैशबोर्ड uh, में जाके लॉगिन करना है लॉग इन करने के बाद जो आपकी जर्नल इंफॉर्मेशन है आपके रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस टू आपकी बाकी की सारी डिटेल्स इसमें आप आपने फिल करनी है देन स्टेप थ्री अपलोड करना है अपनी फोटो एंड सिग्नेचर अपना हेयर आई वुड लाइक टू मैंशन फोटो एंड सिग्नेचर बेटा फोटो बहुत ध्यान से आपके पास उसकी एक्स्ट्रा कॉपीज़ होनी चाहिए फ़ोटो बहुत ध्यान से अपलोड करनी है सिग्नेचर के बच्चे बहुत डल कर देते हैं या उनका साइज़ गलत तो अपलोड कर देते हैं वो ध्यान से अपने अपलोड करना है जो इन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है देन येडमिक डिटेल्स अकेडमिक डिटेल्स में आपने अपनी जो मार्क्स है मार्क्स ऑफ टेन जितने आपने मार्क्स लिए दैन फुल मार्क्स अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपका अभी तक कोई भी uh, नहीं आया है रिजल्ट तो हेयर डिज मैंशन द कैंडिडेट इज एडवाइज टू फिल जीरो इन द कॉलम्स ऑफ मार्क्स अपटेन एंड टोटल मार्क्स इफ़ द रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज नॉट डिक्लेयर वेरी मच क्लियरली मैंशन यू हैव टू फिल जीरो इन द केस रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर the candidate will be given sufficient time to update their marks as per the schedule in the prospectus after declaration of the qualifying examination agar aapka jab result aa jayega to aapko pura time diya jayega ki aapne apna at that time aapne apne marks upload कर dene hain but for that you have to uh, in directly in contact with this particular website then आपने एंट्रेंस टेस्ट के लिए सिटी select करना है। आफ्टर एंटरिंग द करेक्ट डिटेल्स ऑफ एकेडमिक डिटेल्स कैंडिडेट्स ने अपना बेसिक डिटेल जो अपना पर्म एड्रेस है कॉरेस्पॉन्डस एड्रेस है अपना डोमिसाइल है डोमिसाइल मतलब आपका रेजिडेंस है वो आपने फिल करना है देन आपने तीन प्रेफ्रेंसिस चूज करनी है कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो आपको सबसे नज़दीक पड़ती है सेकेंड दैन थर्ड जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो दैन कोर्स सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट वो Uh, बहुत ध्यान से आप सुन लो इन दिस स्टेप द कैंडिडेट हैज टू सेलेक्ट वन कोर्स आउट ऑफ थ्री ऑप्शन रेगुलर बी एड या बी एड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम या दोनों ठीक है जी ये आपने ध्यान से सिलेक्ट करना है उसके बाद फीस uh, जो इन्होंने मैंशन की है इफ़ द कैंडिडेट सेलेक्ट्स ओनली रेगुलर बी एड और बी एड स्पेशल देन एप्लीकेशन फीस होगी आपकी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जनरल कैटेगरी के लिए और थर्टीन हंड्रेड फॉर द रिजर्व कैटेगरी दैट इज़ एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी इफ द कैंडिडेट इज़ इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर बोथ रेगुलर बी एड प्रोग्राम एंड बी एड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम देन सिलेक्ट बोथ एंड ऑप्शन इस ऑप्शन को अगर अगर आप भरते हो देन एप्लीकेशन फीस विल भी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी एंड इन केस ऑफ एस सी एस टी एंड पी डब्ल्यू टी कैटेगरी इट विल बी ऑफ टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो फीस आप कैसे भी पे कर सकते हो ऑनलाइन मेथड के थ्रू नेट बैंकिंग क्रेडिट बैंकिंग और डेबिट कार्ड अगर ऑफलाइन फिल करना चाहते हो तो बैंक का एक लान निकलेगा उसका प्रिंट आउट लेना है देन एच डी एफ सी बैंक के थ्रू आप पे कर सकते हो बट यू हैव टू टेक द प्रिंट आउट आफ्टर पेइंग ऑनलाइन और आफ्टर पेइंग चल रहा आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए देन फाइनल स्टेजेस प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आपने सारे स्टेप्स फिल कर दिए अपनी फीस भर दी यू हैव टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एंटायर फुल फॉर्म क्लियर बच्चे सो दिस वॉज द बेसिक इन्फॉर्मेशन एक छोटा सा मैं आपको थोड़ा स्टेप करके दिखा देती हूँ कि कैसे ये आपने करना है लाइक होम पेज पे मैंने क्लिक किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो इसके नीचे ही आप जाओगे जैसे मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया इन दैट केस कैंडिडेट नेम बेटा ध्यान से भरना है रजिस्टर अपना प्लस टू और टेंथ का सर्टिफिकेट देख के जो उसके ऊपर दिया गया है वही फिल करना है देन फादर्स नेम मदर्स नेम इट मस्ट मैं मस्ट बी सेम विद योर टेंथ एंड प्लस टू सर्टिफिकेट देन योर जेंडर मेल और फीमेल देन डेट ऑफ बर्थ देन मोबाइल नंबर प्लीज़ गिव योर ओन मोबाइल नंबर और यह मोबाइल नंबर जो आप जब भी आपको मैसेज आए तो आपको इंस्टेंट पता चल जाए क्लियर देन कन्फर्म मोबाइल नंबर ई मेल आई डी देन सेम ई मेल आई डी कन्फर्म वही ई मेल आई डी अपनी कन्फर्म करनी है ओ टी पी पासवर्ड जनरेट करना है कई बार बच्चों को पासवर्ड जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है तो बेटा पासवर्ड लाइक like, आपके पासवर्ड में मोस्ट फेबली फर्स्ट लेटर कैपिटल रख लो उसके बाद पाँच छः अल्फाबेट्स या अंडरस्कोर या एटरेट रेट या एक्सक्लेमेशन साइन उसके बाद न्यूमेरिक तो ही वो पासवर्ड एक्सेप्ट करता है जब इसको सबमिट करोगे तो आपके पास आ जाएगा आपका पासवर्ड आपका जनरेट हो गया वो अपने पर्टिकुलरली नोट डाउन कर लेना है क्लियर उसके बाद बेटा सेकेंड स्टेप आपका रहेगा मैं बैक जा रही हूँ इसी के ऊपर होम पेज के ऊपर जाके सेकेंड स्टेप इज कैंडिडेट लॉग इन कहीं और नहीं आएगा फिर नहीं नीचे जाना है आपने नीचे जाके यूज़र नेम ईमेल आईडी अपनी भरनी है जो आपने वाइल रजिस्ट्रेशन फिल की थी देन योर पासवर्ड जो आपने जनरेट किया था देन फिल कैप्चा वो ध्यान से भरना है लॉग इन करोगे तो आपका लॉग इन हो जाएगा उसमें आपने अपनी पूरी डिटेल जैसे जैसे डिटेल पूछी गई है वो आपने फिल करनी है तो होप आपको ये सारी डिटेल समझ आ गई होगी दीज आर द बेसिक थिंग्स इसके अलावा डेट्स मेंशन की गई हैं इस साइट के ऊपर जो आपने ध्यान से पढ़ लेनी है स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट ऑफ दिस एप्लीकेशन तो वो ध्यान से आपने कर लेना है तो फिल टाइमली तो लास्ट डेट्स पे बेटा बहुत रश हो जाता है फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं ऑल दी बेस्ट होप ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके काम आएगी एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी यस yes, बेटा इसी वेबसाइट के ऊपर पंजाब एडमिशन बी एड एडमिशन्स डॉट जी एंड डी यू डॉट इन के ऊपर एक टेंटिटिव शेड्यूल एक्टिविटी शेड्यूल दिया गया है इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है फॉर uh, एग्जांपल इसमें आपने पहले आपको दिया गया है स्टार्टिंग डेट डेट इज़ नाइन्थ जून वो दैन लास्ट डेट फोर्टीन ऑफ जुलाई है बेटा देन अवेलेबिलिटी ऑफ द एडमिट कार्ड ऑनलाइन ठीक है ये डेट्स अगर आपको पता है देन यू विल बी एबल टू कोई भी फॉर्म मॉडिफ़ाई करना है या बाद में अप्लाई करना है तो आपको पता होनी चाहिए क्लियर इस डेट्स को अपन आपने, आपने ध्यान से पढ़ना है एक बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन जो इसमें दी गई है द कैंडिडेट्स हु हैड नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर अप टू द कट ऑफ डेट फोर्टीनथ ऑफ जुलाई मतलब चौदह जुलाई तक अगर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाया कैन फिल अप फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय पेंग लेट फीस तो वो कैंडिडेट लेट फीस पे करके वो कितनी है लेट फीस दैट इज सिक्सटीन हंड्रेड सोलह सौ है एंड इट इज़ सेम फॉर ऑल क्लियर तो अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म फी एज एज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रोस्पेक्टस दे कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम ट्वेंटी सेवंथ ऑफ जुलाई तो आ, वो अगर जो लेट जिन्होंने फिल किया है वो ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ जुलाई तक अपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं सो सिक्सटीन हंड्रेड फीस इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द कैटेगरीज़ और जो नहीं कर पाएंगे चौदह जुलाई तक वो ऑनलाइन बाद में अप्लाई कर सकते हैं बट पेइंग एक्स्ट्रा फीस मीन्स लेट फीस अप्लाई करने के बाद एंड डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इज़ गिवन थर्टियथ ऑफ जुलाई तीस जुलाई संडे को रखा गया है बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फ़िल की हुई है आप ध्यान से आप आपने इसको पढ़ना है ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम प्रिपेयर वेल थैंक यू